नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 27 होने वाली है और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। ज़िंदगी में धीरे धीरे मोटे होना शुरू होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, निपुण होते हैं, अच्छे विचारक भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। ये अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते, यही कारण होता है कि नुकसान उठाना पड़ता है। लोग इन्हें निर्दयी समझते हैं, केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं ना, इसलिए कभी बहुत सुस्त, कभी बहुत चुस्त, कभी आलसी, कभी कुछ कभी कुछ, ये तो इनके अंदर रहेगा ही रहेगा। एनर्जी लेवल होते वक्त भी अच्छा अभी कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं टेक्नोलॉजी के मामले। दो व्यक्तित्व के स्वभाव जीते, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। ये लोग यात्रा करने के भी बहुत शौकीन होते हैं। शिक्षा में जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, इनका शिक्षा में मन लगता रहता है। शास्त्र में, रसायन में, विज्ञान में, इनमें विषयों में अच्छा करते हैं। जहाँ दूरदर्शिता की बात आती है, गंभीरता की बात आती है, गहराई की बात आती है, ये लोग अपने कर्तव्य पालन करने में पीछे नहीं हटते हैं। सेवागण भी होते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, नर्स बनते हैं, रिसर्च में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में अच्छी समझ रखते हैं। दूध के काम में, डेयरी के काम में, केमिकल के बिजनेस में, मछली पालन, मनोचिकित्सक, टीचर, नेवी, इन सब में ये अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। दवाई, सोना, ट्रेवल्स, एजेंसी, अनुसंधान में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। पैसों के मामलों में उम्र के साथ अधिक बनते रहते हैं, समझदार बनते हैं, सेविंग कम होती है लेकिन दोस्त कम होते हैं, पक्की दोस्ती होती है, स्थायी दोस्ती होती है। प्रेम संबंध में असफल रहते हैं। फीमेल में प्रेम भावना अधिक होती है, अपने पति से प्रेम करती हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। वैवाहिक जीवन में उठल पुथल के साथ साथ स्थायी भी रहता है। फीमेल का व्यक्तित्व एक मजबूत होता है, गलतियां ढूंढने में माहिर होती हैं, रीति रिवाज पसंद नहीं होते, लिटरेचर, संगीत, डांस, फाइन आर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं। 2/7/16/25 तारीख इनके लिए अच्छी होती है। या तो ये लोग फर्श में या अर्श में, यानी जीवन की घटना या तो ऊंचाई पर ले जाएगी या वो नीचे ले जाती है। कारण केतु विस्फोटक ग्रह होता है, ये लोग राजनीति में, पत्रकारिता में, फिल्म में, पब्लिक रिलेशंस में अच्छा करते हुए दिखाई देते हैं। इंट्यूशन पावर, केतु इंट्यूशन पावर का एक सबसे अच्छी एक देता है, नेगेटिव भावना भी देता है, क्योंकि जब चंद्र के साथ मिल जाता है तो नेगेटिव भावना भी देता है, ठीक है। तो ये तो रहा इनका वो, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में देखो, सबसे पहले इनकी हथेली, हथेली तो है, अगर मैं कहूँ एक स्क्वायरिश कम रेक्टेंगुलर, बहुत ज़्यादा मेहनती, एनर्जी लेवल ज़बरदस्त इन व्यक्ति का रहता ही रहता है, ठीक। अब माउस को पूरा स्पेस मिला है तो बट नेचुरल अमीर बनना ही बनना है, ठीक है। तरक्की के लेवल को देखो तो शुरुआती टाइम पीरियड में थोड़ा सा, और उसके बाद से अपनी लाइफ में तरक्की के सिलसिले को पकड़ते चले जाएंगे, यानी स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। अब किसी को बुध की का कितना ज़बरदस्त स्थान मिला हुआ है, किसी किसी का तो छोटा सा बुध होता है, और आप देखो कितना फीमेल के हाथ में इतना बड़ा बुध, और उसके बाद फिर सूर्य, ठीक है। ये दोनों अगर मिलाप की स्थिति में पहुंच जाए ना, तो बहुत व्यक्ति आदमी तरक्की करता ही करता है लाइफ में एनीवे। पर लेकिन अब थोड़ा सा उंगलियों को देख लेते हैं। उंगली जो है वह कनिष्ठा उंगली का लगभग लगभग फर्स्ट फैलेंस तक पहुंचना, थोड़ा सा छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में पड़ता है। जब आप 10 जनों के सामने बैठते हो तब थोड़ी सी इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जो होती है वो आती है, थोड़ा सा शाइनेस नेचर होता है, रिजर्व काइंड ऑफ नेचर होता है। जब ये रेखा नीचे मुड़ जाती है तब जाके आपको टेंशन देती हैं, यहाँ पर कुछ रेखाएँ होती हैं, जब ये इसके साथ मिल जाएंगी तब जाकर आपको डिप्रेशन, और ये उंगली आपको कमरों के अंदर बंद करना और ये सब एहसास दिलाना तो ये देना शुरू कर देगी। ये रेखाएं डर का एहसास भी दिलाती हैं सब कुछ, क्योंकि ये बहुत जो केतु और चंद्र जब भी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलत करेंगे ही करेंगे, और इसके साथ शुक्र को मिलाना वो मिलाएगा ही मिलाएगा डेफिनेटली। एक ग्रह, दो ग्रह, दो ग्रह से तीन ग्रह, तीन ग्रह से चार ग्रह, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और वहाँ से सूर्य को देखना पड़ता है। अब वही सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, अभी दिखाऊंगा मैं आपको।
ये उंगली जो वो किसके सहारे पे खड़ी है, ये अपने सहारे पे है ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ पढ़ाई करेंगे ना तो पढ़ाई में भी, हाँ मुझे तो आता है सब कुछ आता है, ये चैप्टर ही छोड़ दो कुछ नहीं होता। और जब पेपर देने जाएंगे तो क्या होगा, ओहो 1-2 नंबर रह गए, वहाँ पर आता था सिली मिस्टेक कर ली। ये लोग सिली मिस्टेक्स जरूर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये रेखा ओवर कॉन्फिडेंस को बता, ये वाली उंगली ओवर कॉन्फिडेंस को बताती है। टेढ़ी है, टेढ़ी है तो ये वाला जो है माउंट डिस्टर्ब होना ही होना है, ठीक है ये होना है तो उसका उपाय भी लो। ये आत्मविश्वास को बताती है, ये चौड़ी है ये पतली है, हाँ पति पत्नी में झगड़ा होगा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है ये डिस्टर्ब है ही है, स्लोपीनेस पे आ ही रहा है, बहुत से इसके अवगुण भी होते हैं वो भी आपको झेलने पड़ेंगे, गुण होते हैं वो भी आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक है सारी चीज़ों का मिक्सचर आपको मिलता रहेगा लाइफ में। ये तरक्की भी कराता है, इसमें रेखाएं इतनी अच्छी अच्छी हैं कि आपकी सरकारी नौकरी तो आपको डेफिनेटली मिलनी ही है, ठीक है। और यही टाइम 27 साल का जो है ना, अभी इसमें जो 4 महीने के बाद मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप करा था, यही कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ दी है जो कि आप 4-5 महीने में कुछ आपको कुछ उम्मीद, यही बात आपने कहा यस दी है और उसका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं। मैंने कहा कुछ तो एक होगी, करीब पता नहीं मुझे तो आना आ सकता है, लग जाता है 7-8 महीने तो लग ही जाते हैं, तो वो कुछ इंडिकेशंस मुझे अभी लग रही है। एनीवे अब अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा का फर्स्ट फैलेंज बड़ा है, नुकीला है, आत्मविश्वास को बताता है। सेकंड फैलेंज भी कहूँ बड़ा है, अपनी बात को सही ढंग से रख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा हाथ के हिसाब से थोड़ा सा मोटा है, यहाँ पर थोड़ा सा एक काउंटर अटैक जो होता है हस्बैंड के साथ वो चलता ही रहता है कि अगर वो जवाब देंगे तो आप भी जवाब दोगे, ये एक माइनस पॉइंट आपके पास निकल के आ रहा है। यहाँ पर डायमीटर जो है वो पतला होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए भी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि जो फॉर्मेशन आपके इस सूर्य पर्वत पे बनी हुई है ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस आगे जाकर दे सकती है, क्योंकि केवल आपकी लाइफ में ये डिस्टरबेंस शो कर रही है इस हाथ में, कि मानसिक परेशानियां आपको ससुराल पक्ष से मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है, और उसमें पति की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। एनीवे थोड़ा सा क्लोजअप लेते हैं। अब देखो ये एक बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत जो है अपने आप में एक उभार लिए हुए है, यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, लंबी लंबी रेखाएं हैं वो जो कि जो इंडिकेट करती हैं तरक्की की ओर भी इंडिकेट करती है। नो डाउट तरक्की तो करनी ही करनी है आपने अपनी लाइफ में, ये तो आप लिख लीजिए, ठीक है। ये व्यापार को बताता है, संचार को बताता है, बोलने की कला को बताता है। ये रेखाएं जितनी अगर लंबी लंबी होंगी तो बोलने की कला में माहिर करता है, ठीक है। समाज में उठना बैठना, किससे कैसे बात करना है ये सब सिखाता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस में आपको इंटरेक्शन दिलाता है, तो ये एक अच्छा पर्वत भी अच्छा है, इस पे रेखाएं भी अच्छी हैं, नो डाउट ये तो आपको फायदा पहुंचाएंगी पहुंचाएंगी। अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पर सूर्य की रेखाएं देखो नीचे तो जा रही हैं, आप किसी भी पाम रीडर को अगर ये दिखाओगे तो वो कहेगा ये नीचे तक जा रही है, चाहे टूटती हुई जा रही है। हाँ जी सूर्य रेखा जब भी नीचे जाती है तो वो क्या करती है, आपका आपको सरकारी लाभ भी कराएगी, पैसा भी दिलाएगी, ये भी करेगी वो भी करेगी, लेकिन पामिस्ट्री हीलर तो बहुत कुछ देखना चाहता है इन रेखाओं में, और इन रेखाओं को ककन सन उसने कुछ ना कुछ तैयार करा और वो बताया। जब फीडबैक के टाइम पे आपने भी उस चीज़ को, मैं अटक गया उस चीज़ पे, क्योंकि देखो देखो शुरुआती टाइम पीरियड पर कुछ रेखाएं, ये जो पतली पतली रेखाएं जो चल रही हैं, देखो ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, इसी के नीचे यही रेखा क्यों चल रही है, देख रहे हो, इसी के नीचे ये रेखा चल रही है और यहीं पर इन्हीं रेखा का यही वाली रेखा सेम चल रही है, ये क्यों चल रही है। चलो यहाँ आकर आपकी शादी हो गई, ये सेकंड वाली पर जो है ये यहाँ पर आकर शादी हो गई, तो बाकी की रेखाएं क्यों बार बार ये जो चलने के और ये टचिंग क्यों दिखा रही है, यानी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा। अब सबसे पहले जब फीडबैक लिया तो मैंने कहा 18 साल में आपकी लाइफ में क्या हुआ था, ठीक है,
तब आपने मुझसे ये कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा याद करिए, देन फिर आपने कहा हाँ कुछ घर पे ऐसे बात हुई। तो मैंने कहा फिर 19-20 में क्या हुआ था? तो आपने कहा नहीं ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, 19-20 साल इनमें कुछ हुआ होगा, फिर 23, 24 और 25 ऐसी कैटेगरी मैंने बनाई थी, आपको याद होगा। तो आपको कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि सर पूछना क्या चाह रहे हो? तो मैंने कहा कि देखो जब फीमेल होती है तो उससे थोड़ा सा एक लहजा जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है मेरा बात करने का। तो आप मुझे बताएं आपकी लाइफ में क्या हुआ, कोई इन्फेक्चुएशन हो या किसी से, तो या कुछ और हुआ हो, क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ हुआ। तो आपने क्या कि समझते रहना, आपने कहा कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी पर लेकिन हम लोग आपस में मिलने जाते थे, पर लेकिन वो घर पे नहीं बताते थे। हम अभी तक हमें हमने नहीं किसी को बताया कि हम पहले भी मिलते थे। तो मैंने कहा देखो मैं यहाँ पर क्यों चुपचाप खड़ा था? मैंने कहा कि क्योंकि जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं इंडिकेट करती, पामिस्ट्री ये कहती है कि अगर शादी से पहले कोई चीज़ अगर फॉर्मेशंस बनती हैं, मिलते हो, कुछ करते हो, तो जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत होता है, तो ऐसे पामिस्ट्री भी वो छाप छोड़ देती है। तो वो रेखाएं पतली पतली थी, तो मैं वहीं पर रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा, पूछता रहा। मैंने कहा नहीं आप बताओ, फिल्टराइज करो, फिल्टर। तब इन्होंने कहा कि हम मिलते थे, बाहर घूमते थे, सारी चीज़ें करते थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हुई, यहाँ से तो ये पता लग गया, पर लेकिन मैंने कहा कि आगे भी करोगे, ध्यान दे देना आगे, ये भी वर्ड बोले थे मैंने कहा, कुछ फॉर्मेशंस आगे भी रहेंगी। क्यों कहा? क्योंकि आपका जो सूर्य पर्वत था वो है डिस्टर्ब। अब देखो वहाँ पे सूर्य पर्वत की कुछ फॉर्मेशंस थी जो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगी होगी, उस पर फिश सी बनी होगी, उससे यूं यूं, तो आप बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हो, क्या है क्या नहीं है क्या है, ठीक है। ये रेखा वहाँ पर वो थी, तो यहाँ पर समझते रहना, ये गई, ये है, ये एक गई, दो गई, तीन गई, ठीक है। और उसी के साथ ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर इसके साथ ये घूमा, ये घूमा, ये फिश साइन सा बन रहा है, देख रहे हो। अब ये फिश तो है नहीं एक्चुअल में, तो ये रेखा यूं गई है और उसके बाद से एक रेखा ने यूं कर दिया। और कोई चैनल होगा तो व्यू लेने के लिए, ओ इतनी बड़ी फिश है, ये दे देगी आपको, क्योंकि उसने ये साइन नहीं देखा ना। वो सोच रहा है कि ये फिश कह दूंगा और ये कहेंगी कि हाँ हाँ तरक्की हो गई है मेरी, तो इसकी वजह से कमाया है इन्होंने। अब देखो ये कंसर्न, ये कंसर्न, ठीक है, ये कंसर्न, ये वो भूल जाएगा पाम रीडर, और इसने इसके साथ ले लिया। बहुत से मेरे वीडियो बने हैं, एक दो वीडियो तो अभी एक दो दिन पहले भी आया, उसमें भी यही वाइफ के हाथ में भी था, हस्बैंड के हाथ में भी था, कोई निशान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। तो कितनी थी, कितने एकड़ों की जमीन थी, 80 एकड़, 100 एकड़, उससे ऊपर एक बिजनेस, पता नहीं कितने बिजनेस थे, नहीं थे। तो चीज़ें वही होती हैं पर समझ नहीं पाता। अब देखो ये तो फॉर्मेशन अच्छी नहीं है ना। अब मैंने क्या कहा कि जब मैं बोलता हूँ आप बताना भी चाहे कोई, मैं कहता हूँ प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। पाम रीडर क्या करता है, सबसे पहले ना फ़ोन करके पूछता है, हाँ सर आप बताओ, आपने आप अपनी लाइफ में, हाँ बिजनेस बताना जरा आप, हाँ अच्छा, कब से, अच्छा ये ऐसी प्रॉब्लम कब से आ रही है, वो कुरेदने की कोशिश करता है। अच्छा, उससे पता लगता है, उसको भूमिका बांधना शुरू करता है, भूमिका बांधना शुरू करता है, भूमिका बांधना शुरू करता है, सारी चीज़ें वो करेता रहता है। अच्छा, फैमिली में, अच्छा ये वाला आपने काम करा था, अच्छा, तो वो फिर दूसरा अपने दिल की बात बताता है, सर देखो मेरे पास ना, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, अच्छा, फिर वो क्या करता है, अभी उसने एनालिसिस तो किया नहीं होता, उसने एनालिसिस नहीं किया होता, तो वो एनालिसिस को उसी लेवल पर डायरेक्शन पर ले चलता है। और मैं क्या करता हूँ, मेरे से जो कोई भी पूछने की बताने की कोशिश करता है, वहीं प्लीज़ आप नहीं बोलोगे, मैंने आपकी किताब पढ़ ली है, अब मैं बोलूँगा, मैं आपको सुनाऊँगा, और बोलने ही नहीं देता मैं, सारी चीज़ बोलने के बाद दूसरा बोल ही नहीं पाता, कहता यस जो आप कह रहे हो वो सही है, कैसे
यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। मैंने जब बोलना शुरू करा कि आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस कैसे, गुस्सा आता है उन्हें, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या होगा, आपको क्या क्या बोल देते हैं, सब कुछ वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए जब बोला, फिर उसके बाद इनकी लाइफ में क्या हुआ, ये कैसे कैसे ये कनेक्शंस जब मिलते हैं तब क्या सोच बनती है, डर का एहसास हो रहा है नहीं हो रहा, डर लगता है नहीं लगता आपको, ये कहाँ से बातें निकल रही, ये कहाँ से बातें निकल रही, तो वो कहाँ से पकड़ते हैं, वो सब इन्हीं जगह पर रखा गया। देख रहे हो क्या बढ़िया फॉर्मेशंस बनी हुई है, ये देखो यहाँ से ये और ये आप इसे मनी ट्रायंगल मनी ट्रायंगल मनी ट्रायंगल, ओ कुछ कुछ चैनल वाले तिजोरी 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 तिजोरियाँ देखते रहो आप, ठीक है, और आप चिन्हों को बस जो रिपीट चिन्ह हैं बस वही देखो, वही रिपीट होते रहेंगे। मेरे पास तो रिपीट की बहुत कम श्रेणी आती, बहुत कम श्रेणी आती, जो भी आएगी कुछ अलग आएगी, ये हाथ भी अलग आया है, ठीक है, बट लेकिन हाँ फॉर्मेशंस बन रही हैं, जो एक दो लोगों के हाथों में आई थी वो आई, और उनके पास और इनके पास में उनके क्या थी एक्चुअल में, उनके हाथ में ये जैसे ये कम हो गया ना, उन्हीं में ये और ये बहुत बड़ा था, और उसके पास कोई कट नहीं था, इन रेखाओं का कोई कट नहीं था और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल और कुछ नहीं, लाइन में सीधी चल रही है लाइन, तो यहाँ से कोई रेखा नहीं कोई कुछ नहीं, बस अरबपति करोड़पति बना दिया। तो यहाँ पर जब ये होगा तो उसकी उसका कमी भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी लाइफ में, वो सब कुछ होगा। एनीवे आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा ये चीज़ समझ आई कि कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं, ठीक है, तो कहने का क्या भाव है कि ये अगर ये रेखाएं पतली पतली, ये देखो ये रेखा है, ये क्यों चली, जब ये सारी बातें हुई, जब मैंने आपसे कहा तब आपने कहा कि सो एंड सो कि किस टाइम पर आएगी, तो मैंने आपसे बोला कि ये फॉर्मेशंस जो हैं 34 साल के बाद से मुझे दिख रही हैं, 34, 37, 39, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके चलो, ठीक है, और इसी टाइम पीरियड पे आपने अपना घर भी बनेगा, ठीक है, 39.4 पे भी ऑफ शूट आ रहा है आपका, 44 पे भी आ रहा है, 46 पे भी आ रहा है, नॉन स्टॉप आप अपने लाइफ में तरक्की करते हुए चलोगे, जो आपका हाथ कह रहा है वो कह रहा है, आपकी सरकारी नौकरी भी है, सब कुछ है, पॉजिटिव हाथ है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन भरा हुआ और अपनी लाइफ को अपने अलग तरीके से जीने वाला। अब देखो फॉर्मेशंस क्या कहना चाह रही है, फॉर्मेशंस ये कहना चाह रही है एक के साथ एक का जुड़ के अलग होना, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये फॉर्मेशंस अब जब ये टच कर लेंगे तो आप अपनी जब जॉब लगेगी आपकी, मान के चलिए जॉब लगती है तो क्या होगा, हो सकता है कि आपके हस्बैंड की जॉब लग जाए, आपकी लग जाए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लग जाए, तो आप लोग इकट्ठे नहीं रह पाओगे, उसके लिए आना जाना रहेगा ही रहेगा, पहली बात तो ये यहाँ पर इंडिकेट हो, ठीक है। फिर आप जब पूरा कंक्लूजन हो गया, आपने सुन ली, फिर आपने मुझे दोबारा कॉल किया, आपने कहा कि सर मुझे किसी जोशी ने कहा था कि आप दोनों ना इकट्ठे नहीं रह पाओगे, तो वो क्या इसी की वजह से है, मुझे दूसरों का कोई मतलब नहीं, मैं तो अपनी एनालिसिस में ही खोया रहता हूँ, तो नो डाउट अब यहीं पर जब कुछ कनेक्शन मैं क्यों पकड़ता हूँ, ये रेखा जब भी ये रहेगी दूरी को बताएगी बताएगी। देखो फार्मूलेस होते हैं, पकड़ने पड़ते हैं, मैं तो आपको बहुत बारी सिखाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। अब बात आती है ये रेखाएं साथ साथ ऐसे क्यों चल रही हैं, ये कनेक्शन तैयार होने की तैयारी पर है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, शुक्र से कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा है, शुक्र शुक्र एरिया क्या है, कोई रिश्तेदारों का कोई कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कंसर्न तैयार होगा, जो कि इस रेखा से क्यों ये रेखा टच हुई, ये रेखा इससे क्यों टच हुई, और ये फायदा पहुंचाना भी चाह रही है आपको, ठीक है, और ये आगे अपना एक रास्ता भी बनाना चाह रही है, कुछ ना कुछ फायदा आपसे लेगा, और किसी फीमेल से क्या फायदा ले सकता है कोई, आप समझदार हो समझ गए होगे। तो यहाँ पर ये कंसर्न जब तैयार होते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि जो आपने कहा कि वो तो एंगेजमेंट वाली जो चीज़ें थी पर छुप के करा था सारी चीज़ें, पर लेकिन यहाँ पर वो रेखाएं सेम चल रही हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हों। तब आपने कहा कि ऐसा चलो टाइम बता दो, मैंने कहा कि ये वाले टाइम में आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे आएगा, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चले, ठीक है। एनीवे ये चीज़ समझ में आ गई, तो एक फॉर्मेशन जो कि पैसा दिलाती है वो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद ये एक एक ट्रायंगल और एक ये इसके साथ, ठीक है, और इसके बाद एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो नो डाउट इनकी लाइफ में पैसा तो है, ठीक
ठीक है, और अच्छा कमाए, ठीक है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी चाहे ये निशान जब टच हो गया तो इसने तो दे दी, देनी है, रोक नहीं सकता आपको अमीर बनने से, ठीक है। और जितना चौड़ा होता रहेगा उतना, अब ये रेखा जो है जितनी बेंड हो रही है ये गलत हो रही है, डिप्रेशन में लाने का काम करती है। ये क्यों हुई है, मैंने यहीं से पकड़ ली बातें, और ये रेखा ने इसको टच करा, ये पैसे के लिए भी है, अच्छी बात है, पर लेकिन इसने टच करा ना, तब मुझे समझ आई कि ये भैया ये कनेक्शन है तो यहाँ पर चंद्र के साथ कनेक्शन क्यों बन गया, और ये केतु के साथ क्यों कनेक्शन बना हुआ है। ओहो, तो अब समझ आ गई लाइफ में क्या चल रहा है इनके, चंद्र और केतु का मिलाप हो चुका है, जबरदस्त टेंशन, मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित होना। फिर इनकी ये रेखाएं ये पकड़ लो, ठीक है, अब ये रेखाएं पकड़ लो, फिर उसके बाद इनके गुरु पर्वत को पकड़ लो, गुरु पर्वत स्लोपीनेस में है, और शुक्र एरिया को पकड़ लो, शुक्र डिस्टर्ब चल रहा है, फिर बस सारी चीज़ें खुल जाएंगी पत्तों की तरीके से, आप बातें बता दो, वो यस 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 करना शुरू कर देंगे। भी मिसकैरेज हुआ, हाँ जी हुआ, हुआ अच्छा जी हो जाए, ये प्रॉब्लम चल रही है, हाँ चल रही है, ठीक, उसके उपाय दे दो आप, वो तो मैं देता ही देता हूँ, तो नो डाउट। तो मेरा कहने का मतलब है एनालिसिस वो करो जो सटीक बैठे, तो इस चैनल पे तो सारी चीज़ें सटीक ही बैठती हैं। एनीवे, अब बात आती है सरकारी नौकरी की, ठीक है। देखो कनेक्शन तो डेफिनेटली तैयार हो चुका है, डेफिनेटली तैयार हो चुका है, देखो ये कनेक्शन ने इसको टच कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन ने इसको टच कर दिया, इस कनेक्शन ने इसे टच कर दिया, ठीक है, और ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, और इसके बाद भाग्य रेखा के साथ इसका मिलाप होना इन दोनों का, ये इंटेंशनली ये चीज़ दी है, ये और ये वाला कनेक्शन, इसके साथ का ये कनेक्शन तैयार है। अब इसी को देखकर मैंने कहा 27 साल 4 महीने, क्यों कहा, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर जब पूरा स्टडी करा तो मुझे एक रेखा जो थी वो मुझे यहाँ से दिखाई दी, ये कनेक्शन, ये क्या चक्कर था कि ये रेखा ने इसके साथ का टच लेकर ये यहाँ क्यों चली, बस यही मुझे समझना था कि ये क्या है। फिर मैंने इसकी टेस्टिंग करी, देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक रेखा और टच हो रही है इसके साथ, ये देखो एक रेखा और टच हो रही है इसके साथ, फिर ये इसके साथ चल रही है, इसका कनेक्शन इसके साथ बना है, इसका कनेक्शन इसके साथ बना हुआ है। जब मैंने सारी टचिंग करके कंक्लूजन पे निकला, तब मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली, तब जाके 27 साल 4 महीने निकली, तब मैंने इनसे कहा कि कुछ ऐसा एफर्ट पहले किया था आपने जो कि आपकी लाइफ में आगे जाकर अभी उम्मीद है, क्योंकि ये 26.5 साल बैठ रहा है मेरे हिसाब से, कि इनको इनकी लाइफ में ये वाला जो कनेक्शन है ये 26.5 का बैठ रहा है, तो ये 26.5 में ऐसा क्या करा इन्होंने, कोई एक ये पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि इस रेखा के साथ आती है तो तरक्की के लिए जाती है, ये हमेशा मैंने आपको समझाया हुआ है, इसमें तरक्की मिलती है, क्योंकि जब ये इस तरफ जाके लंबी रेखा होती है तरक्की की तरफ जाती है, तो एक छोटी सी एक तरक्की रेखा से ये ऊपर गई, अब ऊपर गई तो इसकी कैलकुलेशन 26.5 है। मैंने कहा 26.5 से ये सीधा जो है 27 साल 4 महीने पे ये जो है इंडिकेशन दे रही है, स्ट्रांगनेस हो रही है, तब मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि जनवरी में मैंने ना एक पेपर दिया था और उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसकी उम्मीद में हूँ, और मेरे तो बस 1 नंबर 2 नंबर रहते हैं। तो मैंने कहा देखो जी ऐसा है जी, ये वाला टाइम पीरियड आपका गोल्डन है, यहाँ से लेकर 30 साल, इसके बीच बीच में आपकी नौकरी तय है, तय है और तय है, डेफिनेटली तय है, क्योंकि ये 30 साल की लाइन है और इसके साथ का ये कनेक्शन जोड़ दिया गया है, और आपका ये कनेक्शन दो चीज़ों को बता रहा है, एक तो आपके बच्चे को बता रहा है और एक आपकी लाइफ में ये आपकी तरक्की को बता रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चीज़ें इंडिकेट करेंगी। पर लेकिन डार्क लाइन है तो यानी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान, अब उसका कंसर्न मैंने आपके बच्चे के साथ आपको कह दिया, मिसकैरेज और ये सारी चीज़ें बताई, तो आपको 30 साल तक थोड़े से प्रिकॉशन भी रखने हैं जो आपकी लाइफ में हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखो। फिर आपने कमिट भी करा कि मेरे साथ ये से सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो वही चीज़ें
आगे रिपीट ना हो, मिसकरेज आगे रिपीट ना हो, कुछ ना हो, तो आपने कुछ अपनी डाइट में चेंज करना है, जो मैं फ़ोन पे बता चुका हूँ सारी चीज़ें आपको, तो नो डाउट आपकी लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव यहाँ से मुझे लग रहा है। अब उसके बाद से अगर कंसर्न देखो तो यहाँ पर ये रेखाएं जब भी यहाँ से निकलती हैं, ये निकलेंगी, ये निकलेंगी, तो तरक्की की रेखाएं हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपको तरक्की करानी करानी है। अब ये तरक्की यहाँ से करा रही है तो बट नेचुरल यहाँ से आप कंसर्न देख लो, कोई भी पीछे से रेखा आ रही है, कोई रेखा पीछे से नहीं आ रही, कोई भी रेखा पीछे से नहीं आ रही। यहाँ से आपकी लाइफ लाइन, आपकी जो भाग्य रेखा है, धड़ाधड़ भागना शुरू कर रही है, कुछ नहीं। अब इसके बाद से ये एक ऑफ शूट, ये एक ऑफ शूट, ये एक ऑफ शूट, इन सब की कैलकुलेशन मैंने आपको निकाल के दे दी, ठीक है। तो वही कैलकुलेशन मैंने आपको आपकी लाइफ में बताई कि भैया देखो आपकी लाइफ में 34 साल, देखो ये भी एक तरक्की का है, 37 है, 39.4 है, देखो वो कैसे देखा। अगर इसी लाइन को देखता हूँ तो इसी से सारी कैलकुलेशन एक निकल के आ गई मेरी, 39.4 तक यहाँ पर आ गई। और अगर वैसे जाता हूँ तो 34 आता हूँ, 39 आता हूँ, ठीक है, 34 आता है, 37 आता है, 39.4 आता है, यहाँ पर ऑफ शूट आ रहा है, और यहाँ पर ये रेखा से आगे जाकर पूरी बन रही है। तो एडवांस कैलकुलेशन को इस रेखा से अगर जोड़ के चलना है तब भी चल लो, वैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से चलना चाहते हो तो वो चल लो। यहाँ पर ऑफ शूट है, उसके बाद फिर एक घर की पोजिशन यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद यहाँ भी दिख रही है, तो 44 साल में भी है, 46.5 पे भी है, ठीक है। तो ये सारी नॉन स्टॉप आपकी चलती हुई दिखाई दे रही है। विदेश की जो है वो कंसर्न, वो भी तैयार पड़ा है आपका, ठीक है, क्योंकि तो इसने इसके साथ का जो कंसर्न तैयार कर दिया तब भी वही चीज़ चल रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। और कुछ लोग इसे वाया ला सिविया लाइन बोल देंगे, तो उनकी गलती है, उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, उन्हें समझ नहीं। ये रेखा ने इसके साथ का कनेक्शन क्यों ले रखा है, क्यों ले रखा है, ये वाया ला सिविया लाइन है, ये रिलेशंस को दिखा रही है या किसको दिखा रही है, ये उन लोगों को मालूम है नहीं पता, उन्हें तो बस केवल ये रेखा पता होता है। मैंने तो एक चैनल देखा था तो वो तो ये कह रहा था यहाँ पर इतनी सारी जब भी रेखाएं होती है ना तो मुसीबतों से ना घिरा होता है आदमी, जितनी ज़्यादा रेखा, अरे रेखा क्यों बोलते हो, अपमान करना है भैया, रिलेशंस है, ये रेखा का मतलब क्या है, वो चाहे पति है, पत्नी है, सास है, बहन है, कोई भी है, जिससे उसकी उनसे वो प्रॉब्लम आ रही है, ये वो रेखाएं तो बता रही है, ये घर का ही तो बता रही है, ये अटैचमेंट तो बता रही है, ये क्या बता रही है, ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये देखो ये कनेक्शन, अब देखो विदेश की रेखाएं सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कितनी बार तो समझा चुका हूँ, क्या है या नहीं है, जाएंगी या नहीं जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी, है। अब किसी फीमेल के हाथ में ये आ जाना, कितनी बारी मैंने हर वीडियो में बताया है, अब ये भी साइन अच्छा नहीं होता केतु का, केतु पर ये प्रेगनेंसी में दिक्कत देना, कठिनाइयाँ देना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, आपको डॉक्टरी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, और अच्छे नर्सिंग होम हॉस्पिटल में आपको पहले ही 2 दिन पहले एडमिट होना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आती है, बहुत आती है, कभी डॉक्टर छुट्टी पर चला जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच जाना है अगर ये रेखा बनी हो, पता लग जाएगा आपको, डॉक्टर छुट्टी पर गए हैं जी, एनेस्थीसिया ख़त्म हो गया जी, आज ये जी ये नहीं मिले, आज ये वो नहीं, इंजेक्शन ख़त्म हो गया, वो दुकानें बंद हो गई, सब कुछ हो गया, ये करती हैं, इसलिए अच्छे हॉस्पिटल पे जाना, जब ये रेखा होंगी दिक्कत देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दो, ये डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क लाइन है, ये आपको बीमारी थोड़ी सी आपकी लाइफ में ऐसी बीमारी लाएगी जो कि लगातार चलेगी, ठीक है, चाहे सिर दर्द हो रहा है तो लगातार ही होगा, घुटनों में दर्द है तो लगातार ही होगा, कमर दर्द हुआ तो लगातार होगा, ये डार्क लाइन होती है तो क्या करती है, लगातार चीज़ें देती है, दर्द भी लगातार, पर लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैठ के बेड पे ही पड़ा रहे, पर लेकिन लगातार चीज़ें चलती रहती हैं, ये चीज़ तो समझ लो आप, ठीक है, रहेंगी रहेंगी और डेफिनेटली रहेंगी, लगातार चीज़ें रहेंगी, ठीक है, हल्की 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 रहेंगी, साल भर रही तो साल भर रही, 2 साल रही तो 2 साल रही, ठीक है, ये कंसर्न रहता है, क्योंकि ये डार्क, ये नहीं डार्क होनी चाहिए, यही डॉट के साथ आ जाती है तो बहुत नुकसान देती है। तो एनीवे अब ये रेखा वैसे तो ये देखो इंडिपेंडेंट चल रही है, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, इसी पे फॉग बना रही है, तो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, ये तो सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी जिद्दपन को भी दिखाती है, इंडिपेंडेंट नेचर दिखाती है, ठीक है, और इसके बाद जो है थोड़ा सा अपने आप को व्यक्ति जिम्मेदारी से
जिम्मेदारी समझने वाला व्यक्ति भी होता है जब ये अलग होके चलती है। और जब भी ये गुरु पर्वत की तरफ जाती है तो ये आदमी महत्वाकांक्षी होता है, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो क्या कहता हूं, भाग्य रेखा का जब कभी भी इस तरीके का मिलके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कहा है इसी के साथ ही ऊपर जाने की कोशिश है, बहुत अमीर होता है। कितने वीडियो में बोला है, ये बन गई वही वाली रेखा। हृदय रेखा का पाठ भी चल रहा है, पैसा भी हो रहा है, अमीर भी बन रहा है, ब्रांचेस भी निकल रही हैं, तो नो डाउट आप इसकी तरफ से तो टेंशन रहने दो कि पैसा नहीं होगा। ठीक है, फिर ये रेखाएं ये आपको डेडिकेशन दिखाती हैं, कहीं ना कहीं शुरुआती टाइम पीरियड में जो आप लोगों का एक अपने अपने पार्टनर के प्रति जो प्यार और जो इजहार करने का जो तरीके होते हैं ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। पर लेकिन जैसे जैसे उम्र और जिस तरफ से ये डार्क होती रहती है उस तरफ से आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ से आपकी लाइफ में 26 साल से कुछ ना कुछ चेंजिंग शुरू हो गई, पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो वही चीज़ है, आप 27 साल से मेरे पास आ गया और आपने कह दिया कि सर आप मुझे बताओ मैं लाइफ में कितना पैसा कमाना है, क्या कहना है। ये कहाँ से रेखा आ रही है, जहाँ से वो डार्क होनी शुरू हो रही है वहीं से फीलिंग शुरू हो रही है आपकी। ठीक है, तो इसको तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ समझ आई। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन में जो मैंने वैसे तो वैसे सारी बता ही दी है आपको आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में क्या क्या आगे जाकर होगा। अगर भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा में भी आपकी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो 38 साल के बाद से कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो है मैं देख नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कंसर्न है, उसके बाद से कुछ मुझे कुछ और दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। कब तक दिखाई नहीं दे रही अगर मैं कहूँ तो, ओवरऑल आपकी लाइफ में पैसों की कोई कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। आप इन्वेस्टमेंट भी करोगी, उम्र अगर कहूँ तो 53 में भी करोगी और उसके बाद आप अपनी लाइफ में 46 में भी करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ में हो रही हैं, 57 में भी करोगे, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर इंडिकेट होती हुई दिखाई दे रही है। तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, और आगे चलते हुए चलो। तो मेरे हिसाब से 30 साल जो है वो मेजर आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आएगा। ठीक है, और आप आगे बढ़ते रहो। और 32 साल और 34 साल, ये दो कैलकुलेशंस ऐसी मैंने निकाल के दी हैं आपकी लाइफ में कि थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है, थोड़ी सी। रीज़न क्या है कि एक तो ये रेखा यहाँ पर एक हल्की सी एक कट निकाल के बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, और एक ही तो बाकी और कुछ नहीं है आपकी लाइफ में। तो नो डाउट आप चलो, आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, आप खुद भी कमाओगे, आपके पास घर भी होगा और विदेश भी जाओगे, तो सारी चीज़ें आप मैच हो रही है। पर लेकिन रही बात टेंशन की, केतु और चंद्र की, तो वो तो उपाय मैं बता ही चुका हूँ। और रही हस्बैंड वाइफ की, जितना समझाने की कोशिश करोगे आप अपनी मैरिज लाइफ को उतना ही स्पॉइल कर लो। ठीक है, ये स्पॉइल कर लोगे। ठीक है, एक 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 ऊन के जो गुंजल जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, वो उलझन, वो उसमें उलझनों में रहोगी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, वो जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दो, धीरे धीरे समझते रहेंगे। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। और अगर माउंट की बात करें तो आपने कौन कौन से माउंट का उपाय करना है, आपने एक केतु और चंद्र का करना है, एक शुक्र का करना है और एक गुरु का करना है। ठीक है, और सूर्य का करना है। ये 3-4 उपाय हैं, आप मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।